कि नवी डोगरी संस्था पास पूरा इंदा ध्यान रहा पूरा साड़ा साथ दवा अजय गुप्ता जी गल है प्रधान सही गल चलो जी स्वागत करना इन्हें कि दरअसल असं नवी डोगरी संस्था का अपना गया हिस्सा समझने क्योंकि इन्हें अदब करना प्यार है लेखन च भी रुचि है इनकी और एक मन्ने परमन्ने दे साडे राजनेता न जिन्हें कि अपने लोगों कन्नै प्यार है अपनी धरती कन्नै प्यार है एक जाना बचाना नाम कानून दे क्षेत्र च इन्हें अपनी कानूनी महारत का लोहा मनवाया उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय च ये मुकदमे की पैरवी करते हैं साढ़े बिच आईया न निधि डोगरा शर्मा होरी अज ये भी आए ने कार्यक्रम शख्सियत स्वर्गीय राम स्वरूप जी के आज इस जयंती पर प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सर्वप्रथम मैं उनको श्रद्धांजलि देता और आज इस मौके पर श्रीमान यूके जलाली जी श्रीमती निधि शर्मा डोगरा जी ने कर्म क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में एक नाम बना करके जाती हैं स्वाभाविक बात है कि उनको याद किया जाता है स्वर्गीय राम स्वरूप जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे उन्होंने अपने क्षेत्र में कानून के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम किया उसके बारे में एक लंबे उदाहरण है और विशेष करके 1947 में जब जम्मू कश्मीर का भारत का बंटवारा हुआ तो स्वाभाविक बात है कि उस वक्त अपने लोगों को मीरपुर से थे बहुत सी सहायताएँ उन्होंने लोगों को भी आज वो इसीलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में एक ईमानदारी तरीके से एक दृढ़ संकल्प के साथ जो फैसले लिए वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं तो इस कार्यक्रम का आयोजन पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि परिवार को और उस सिस्टम को हमारे रेणु जी हैं उनकी बेटी उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया तो मैं ये कहता हूँ कि उनको हमेशा से सदियों तक याद किया जाएगा वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं उन्होंने जो अच्छे काम किए उसको अपने आप में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ललित शर्मा कन्वीनर नवी डोगरी संस्था आज नवी डोगरी संस्था ने स्वर्गीय मानयोग श्री राम स्वरूप गुप्ता होरी जेड़े डिस्ट्रिक्ट सैशन जज है उनके उपर ये प्रोग्राम संजोदा है जड़ा चला करता श्री राम स्वरूप गुप्ता जी आज जड़ा अधिकृत कश्मीर है उत्थे पैदा होए 1915 बाद लाहौर यूनिवर्सिटी चा 1937 उन्हें वकालत की डिग्री ली बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बिच अपनी जड़ी है उन्हें प्रैक्टिस शुरू की 1947 मुनसिफ बने और फिर उन्हें पिछले मुड़िया नहीं दिखाया और चलते रहे उन अग्गें बढ़ते रहे लेकिन उनकी खासियत यह है कि निहायत ही ईमानदार शख्सियत थे
वह रजिस्ट्रार जनरल भी रहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के और विजिलेंस कमिश्नर भी रहे। कभी कुछ दबाव च नहीं आए, लोगों के हित च फैसले किए, कानून के दायरे च फैसले किए और कभी उन्हें अपने काम करने समझौता नहीं किया। और एक ऐसी शख्सियत जड़ी के नवी पीढ़ी वास्ते एक प्रेरणा स्रोत है। और अगर असी कानून की गल करचै, कानून दान साढ़े जम्मू कश्मीर ने बड़े दिते पूरे भारत की, खास करियै डुग्गर ने। दो ते असें मुख्य न्यायाधीश जेहड़े उच्चतम न्यायालय च दिते, जस्टिस आनंद साहब, जस्टिस पी एस ठाकुर साहब, एम सी मेहता जैसे। और आज के अज का जो फंक्शन है, इहदा जिहड़ा मुद्दा है वो ये है और ये फंक्शन करने का साड़ा साड़ी मंशा यह है कि जड़ा जड़ी शख्सियत है राम स्वरूप गुप्ता हुंदी, उसी उभारिया जा, उधर गलबात की जा, उसी सूचना प्रणाली जड़ा साड़ा मीडिया है उदे माध्यम कन्नै लोकें तक पजाया जा और खासकर नवी पीढ़ी जड़ी है उसी पता लग गया कि ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व भी डुग्गर च पैदा होते हैं और उंदे रस्ते चलिए उंदे कोला प्रेरणा लेइए एक कारवां अगे चलै। धन्यवाद। अश्रम डुग्गर संस्था ने श्री राम स्वरूप गुप्ता, जगमन गुप्ता के प्रेम प्रकाश कार्यक्रम किया जो उन्हें याद किया गया जिनकी डैथ हुई थी बड़े पुराने उनका बर्थडे अज राम स्वरूप गुप्ता हुंदा और अज सैलीब्रेट किया तो बुलाया से सारे बंदे खुश हो गए। पुराने जज सैशन जज ही हो, उनकी बेटी रेनू महाजन ते उनके हस्बैंड श्री अजय गुप्ता और है अज उनकी समृति च, क्योंकि उनके फादर का अज पुण्यतिथि ही होंगी तो इस करिए उन्हें उन्हें याद करने उपर एक उनकी यादगार च एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम पेश किया जिसे उनकी बेटी ने उनके अपने ग्रैंडफादर अपने नाना जी उपर एक पेपर पढ़िया। साढ़े जड़े साढ़े कन्वीनर न ललित और उन्हें उनके बारे च बोलिया और स्पेशल गैसट जड़िया निधि शर्मा और उन्हें बोलिया और साढ़े चीफ गैसट है कविंदर गुप्ता और। तो बड़ा अच्छा यह प्रोग्राम होया और उनके फादर दियाँ ब्लैसिंग्स हमेशा उनके उपर रोन। रेनू महाजन और नवी डोगरी संस्था कन्नै मिलिए बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया और यूके जलाली और भी साढ़े गेस्ट ऑफ प्रिजाइड किया उन्हें साढ़ा। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हा नवी डोगरी संस्था की चेष्टा ही जो प्रोग्राम जरा नवी डोगरी संस्था पास है साढ़े सैशन जज डिस्ट्रिक्ट जज स्वर्गीय राम स्वरूप गुप्ता हुंदे याद से किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि देने से किया गया। उनके परिवार के लोग इतने शामिल है और अस उनके परिवार की शाबाश दें कि जेडे अपने बजुर्गों का मान सम्मान करने वास्ते ये ले प्रोग्राम रखते हैं। अज उन्हें पूरी शिद्दत करने अपने मन करने उन्हें श्रद्धांजलि दी और असें भी श्रद्धांजलि देने का अज सुहाग्य प्राप्त होगा। तो अस भी अपने आप की भागवान समझने कि असें अपने स्वर्गीय राम स्वरूप गुप्ता होरें असें श्रद्धांजलि दी है।